ये बहुत ही टेस्टी मिक्स वेज मोमो और वेज सूप बनके तैयार है, साथ में चटनी है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, इसको बनाइए, खाइए। मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.
मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उन सभी लोगों का मैं बार बार दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं हमेशा अच्छे से अच्छे रेसिपी बनाती हूँ, लाने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो भी रेसिपी हम बनाते हैं तो वो हम ही खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, तो टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी रेसिपी रहता है। तो आज बनाएंगे मिक्स वेज मोमो रोल, और उसके साथ मिक्स वेज का ही सूप बनाएंगे, चटनी बनाएंगे। तो इसी तरह से आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं अच्छे अच्छे रेसिपी लाती रहूँगी। बनाएंगे मिक्स वेज मोमो, बहुत ही टेस्टी और ये हेल्दी रेसिपी है। बच्चे लोग ये वेजिटेबल्स नहीं खाना चाहते हैं तो उनको इस तरह से खिलाइए, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। जो भी सब्जियां आप चाहें वो ले सकते हैं, और जो भी चाहें सब्जियां इसमें से हटा भी सकते हैं। गाजर है, टमाटर है, बीट रूट है, थोड़ा सा ब्रोकली भी है, फूल गोभी है, प्याज है, और ये थोड़ा सा बीन्स है, धनिया की पत्ती है, इसके अलावा हरी मिर्च, लहसुन वगैरह सबको काट लेंगे। और ये जो ब्रोकली रहता है इसका ये वाला छिलका ज़रूर से निकाल लीजिए, और फूल गोभी का भी ये वाला छिलका को निकाल ही लीजिए। इस तरह से इसको निकाल के पूरा हटा लीजिए। बड़े ही आराम से निकल जाता है, और इसको हटा के इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से इसका छिला हुआ है फूल गोभी सबका, और इन सभी सब्जियों को आप जैसे भी हो कद्दूकस कर सकते हैं, बारीक काट सकते हैं, या फिर मिक्सी में इसके टुकड़े कर करके पल्स पे चलाएंगे तो वो भी हो जाएगा। जैसे भी हो सभी सब्जियों को बिल्कुल ही बारीक बारीक काट लीजिए। और इनके अलावा बंधा गोभी है, इतना सारा नहीं लगेगा, इसमें से काट के निकालेंगे। तो सभी सब्जियों को काट लीजिए। अब सभी सब्जियों को बारीक बारीक काट लीजिए, क्योंकि ये इस तरह से कट गया है तो ये कद्दूकस नहीं होगा, बाकी सभी चीजों को कद्दूकस कर लेंगे। इसी तरह से बारीक बारीक काट लीजिए। इसी तरह से काट काट के सभी सब्जियों को एक बर्तन में रखते जाइए। ये है बीन्स, डालिए इसमें तेल, सरसों तेल, रिफाइन ऑयल, जो भी आपको डालना हो वो डाल सकते हैं।
ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्ची, तीन चार हरी मिर्चें। काली मिर्च के दाने, इनको कूट लीजिए। अब डालिए इसमें ये सभी सब्जी को। और इसको हाई फ्लेम पे ही पकाइए। अब इसमें डालेंगे नमक। और ये है मिक्स सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला और डालिए इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी। इस तरह से इसको मिला लीजिए और जो बड़ा बड़ा इसमें डंडी निकलता है उन सभी को हटा लीजिए, इन सबको मत दीजिए। और ये कुटा हुआ काली मिर्च डालिए। अब इसमें डालिए थोड़ा सा धनिया की पत्ती। अब इसमें से निकाल लीजिए सब्जी को। और थोड़ा सब्जी इसमें ही रहने दीजिए और इसमें डालेंगे पानी। अब इसमें डालिए पानी। इसको उबलने दीजिए। इसमें डालिए थोड़ा सा नमक, बस नमक ही डालिए और कुछ इसमें नहीं लगेगा। यह छोटा चम्मच, इससे लीजिए दो चम्मच कॉर्नफ्लोर। और इसको घोल लीजिए अच्छे से। थोड़ा सा डालेंगे एक चम्मच के लगभग विनेगर। आप इसमें सोया सॉस भी डाल लीजिए। कॉर्नफ्लोर को डालते जाइए और एक हाथ से सूप को मिलाते जाइए। अब ये मिक्स भेज सूप बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी। इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है, वो उतना कैमरा में आ नहीं रहा है जितना सुंदर इसका कलर आया है। बनाएंगे मोमो के लिए चटनी। तो ये है दो टमाटर, छोटे साइज का टमाटर है ये। और ये है छोटा सा प्याज, थोड़ा सा ये लहसुन है, एक या दो हरी मिर्ची डालिए और ये सूखी लाल मिर्च।
ये 2 सूखी लाल मिर्च है, और डालिए ये धनिया की पत्ती। पहले थोड़ा सा इसको चला लेंगे, फिर इस सबको पीसेंगे। इसमें डाल दीजिए नमक चटनी में। अब सब चीजों को डाल के पीस लीजिए। चटनी में लगाएंगे तड़का, यह है रिफाइन ऑयल 1 चम्मच। गरम कर लीजिए। इसमें डालिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा ही डालिएगा, और ये थोड़ा सा कसूरी मेथी। इसमें ये चटनी पिसा हुआ, अब ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनके तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर लीजिए। ये इस तरह से बन गया है। ये मैदा जितना भी बनाना हो, और इसमें डालिए नमक। और इसका डो बना लीजिए। ये इस तरह से मैदा का डो बनके तैयार है। अब पानी गर्म होने के लिए रख दीजिए। अब यहाँ पे ऑयल लगा के बेलिए। जैसे मोमो के लिए एकदम पतला पतला बेलते हैं, वैसा ही पतला पतला ही बेलिए। बस ये साइज में थोड़ा सा बड़ा रहता है। अब जो ये सब्जी बना के रखे थे, इसको डालिए। और इसको रोल कर लीजिए। इस तरह से ये मोमो रोल एक एक करके पूरा बना लीजिए इस पे। ये इस तरह से सभी मैदा का बना लेंगे रोल। अब ढक के इसको 15 से 20 मिनट तक पकाइए, और बाकी का जो मैदा है उसका भी इसी तरह से रोल बना के रख लीजिए। अब ये 20 मिनट हो गया है, निकाल लीजिए सभी रोल को। ये देखिए इस तरह से बहुत ही टेस्टी मोमो रोल बना है ये। अब इस बर्तन में देख लीजिए नीचे पानी है या नहीं। पानी है तो इसी के ऊपर से सेकंड बैच को डाल दीजिए, और इसको भी 20 मिनट तक पका लीजिए। और इसी तरह से जितना भी बनाना हो मोमो रोल बना लीजिए।
जो ये रोल बना है इनको हल्का सा रिफाइंड डाल के फ्राई कर लेंगे। ये जो रोल है इसको हल्का सा उलट पुलट के इसको ऐसे तेल में हल्का सा फ्राई कीजिए और भी ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। ये इस तरह से मोमो रोल को हल्का हल्का फ्राई कर लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं कीजिए और निकाल लीजिए इसको।